गाइस, अभी हमने एक सॉन्ग म्यूजिक वीडियो का शूट कंप्लीट किया है और साध्वी भट्ट हमारी डायरेक्टर थी। साध्वी भट्ट बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पे, तो आप जाके देखो और सब्सक्राइब करो साध्वी भट्ट का यूट्यूब चैनल। एंड बहुत मजा आया आपको? बहुत। चलो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब। इनको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब लोग फॉलो करो।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साध्वी कलाकार. और मैं हूँ साध्वी भट्ट और मैं हूँ एक कलाकार. एंड टुडेज व्लॉग इज पार्ट टू व्लॉग ऑफ माय डायरेक्टोरियल सॉन्ग बम भोले बम. एंड गाइस, जैसे पिछले व्लॉग में, पार्ट वन व्लॉग में आपने देखा था दिन का स्केड्यूल्स, आई वेंट फॉर रिकॉर्डिंग, देन आई केम ऑन सेट एंड प्रोडक्शन एंड ऑल चल रहा था, जो अभी भी चल रहा है. आप देख सकते हो कैमरा एंड ऑल सब सेट हो रहा है, लाइटिंग सेट हो रही है, रिहर्सल्स चल रहे हैं बिकॉज इट्स द कंटिन्यूटी ऑफ दैट व्लॉग. कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल सब आप देख रहे हो, मैं चेक कर रही हूँ. मैं अपने सारे गाने का कॉस्ट्यूम्स खुद ही करती हूँ. पिछले व्लॉग में भी मैंने बहुत कुछ बताया है, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट व्लॉग ऑल्सो. आप लोगों ने व्लॉग वो देखा है या नहीं, पार्ट वन ऑफ माय डायरेक्टोरियल सॉन्ग बम भोले बम, अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ जाके देख लो, तो आपको ये व्लॉग देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा. प्लीज़ जाके देख लीजिए. तो गाइज, इस चैनल में साध्वी कलाकार में आपको मेरे वर्क से रिलेटेड वीडियोस, मेरे वर्क व्लॉग्स एंड बिहाइंड माय ड्रीम्स, बिहाइंड द सीन्स एंड बहुत सारे एंटरटेनमेंट वीडियोस, पॉडकास्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा. सो जो भी नए लोग मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स. सो सब्सक्राइब. तो गाइस, शूट से पहले ना बहुत कुछ होता है. जैसे आप देख रहे हो सारे कैमरा सब सेट हो रहे हैं, अंदर रिहर्सल्स चल रहा है, सेट डिजाइन हो रहा है, वट एवर वी हैव प्लान्ड, यू नो, सब सेट हो रहा है, सब फिट हो रहा है एंड लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग स्टाफ, यू नो, काम चल रहा है. तो ये सारी चीज़ें होती है और वही सब हम सब कर रहे हैं, यू कैन सी. एंड रिहर्सल्स कंटिन्यू है डांसर्स एंड लीड का, बिकॉज इट्स अ डांस नंबर. सो मेरा कोरियोग्राफर जो है वो रिहर्सल्स करवा रहे हैं. सो गाइज, अब रात हो चुकी है और आप मुझे देख सकते हो कि मैं पूरी लाइटिंग सब करवा रही हूँ. रात भर शूट है एंड बिकॉज ये रात का गाना है एंड लाइटिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब लाइट प्लेज वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन फिल्म मेकिंग, स्पेशली इन सॉन्ग्स, यू नो, बिकॉज सॉन्ग्स लुक्स ब्यूटिफुल एंड लाइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. वैसे तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, लेकिन लाइट्स जो है ना वो पूरा आपका गाना ही बदल देता है. तो इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि लाइटिंग थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि हमारे पास एक ही लोकेशन है, एक ही जगह पे है एंड थ्रू आउट डांसिंग है, ऑल्सो डांसिंग नंबर है, तो थोड़ा सा कलरफुल, इट शुड लुक कलरफुल एंड ब्यूटिफुल. तो गाइज, वही मैं अपने DOP सर से डिस्कशन कर रही थी, कहाँ क्या हम लगाएं, कैसा करें. तो गाइज, यहाँ पे मैं रील्स बना रही थी इसलिए मैं गोल गोल घूम रही थी, मतलब बीच बीच में आई वॉज मेकिंग रील्स, बिकॉज वो भी इम्पॉर्टेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर वर्क. वैसे गाना बन चुका है, रिलीज हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, प्लीज आप जाके चेक कीजिए और बताइए कैसा लगा गाना, आपको लाइटिंग्स कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा, बिकॉज मेरा लाइटिंग्स में काफी इन्वॉल्वमेंट है. ऐसे तो ओवरऑल ही मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, ऑल्सो आई एम डायरेक्टर ऑल्सो, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट एनी विच वेज रहेगा,
बट आई जस्ट मीन टू से इज़ दैट कि मेरा जो फिल्म मेकिंग में सेंस है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड इट्स नेचुरल इट्स गॉड गिफ्टेड सो आई रियली रियली बिलीव दैट आई एम बॉर्न टू डू दिस ओनली यू नो सो वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा कि जो चीज़ आपको नेचुरली भगवान से मिला है तो आप उसी चीज़ के लिए बने हो और ये सारे कला जो है मेरी मॉम से मुझे मिला है by gift because my mom is very talented and she is a natural born kalakar ab main unka sapna pura kar rahi hu well also I have a very talented people in my team but because kyunki ye mera channel hai youtube channel and it's my vlog so main isliye I'm just talking about myself my talent so yeah तो गाइज ये है आर्टिस्ट का मेकअप रूम तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबका मेकअप चल रहा है दे हैव टू बी इन अ अघोरी लुक सारे डांसर्स रेडी हो रहे हैं एंड ये रहे हमारे अघोरी जी जिनका मेकअप हो रहा है अघोरी बाबा बाबाओं का एंड तो ये लोग जब रेडी हो जाएंगे तब कैमरा रोल होगा तब तक सब कुछ सेट हो जाएगा तो गाइज ये है हमारे लीड का मेकअप वैनिटी रूम कशिश ठाकुर एंड ही इज गेटिंग रेडी सो गाइज वेल आई जस्ट फील दैट यू नो जैसे जैसे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ एक्सपीरियंसेस ले रही हूँ वैसे वैसे आई एम कमिंग अक्रॉस माई हिडन टैलेंट माई वर्सिटैलिटी आई जस्ट फील दैट भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है यू नो विथ टाइम्स आई एम ऑल्सो रियलाइजिंग लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव इन मी नेचुरली एंड Also, with times, you know, I'm getting better and better and I just feel like I was destined to do this. So, and I feel so lucky that I'm a part of films, you know. I'm a filmmaker, I'm an artist, you know. मुझे बहुत लकी फील होता है कि भगवान ने मुझे बहुत क्रिएटिव बनाया है, इमेजिनेटिव बनाया है. तो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स फील होता है. कि ये सारे कला जो है मेरे अंदर है एंड जो भी मतलब स्ट्रगल भले इतना सारा स्ट्रगल है बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है स्टिल आई लव माई जॉब एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड बाई गॉड ग्रेस बिकॉज आई एम बॉर्न फॉर दिस आई एम डूइंग गुड यू नो आई फील रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ माई फिल्म क्षेत्र कला क्षेत्र Yes. So here it is. आरती चल रहा है गणेश जी का बिफोर शूट यू नो बिफोर कैमरा रोल सो वी वर्शिप गॉड सो दैट हमारा शूट जो है वो अच्छे से होए एंड यस आर्ट इज समथिंग यू नो दैट कैन नॉट बी टॉट इट इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइट यू नो It comes from your feel. It's your visualization, your imagination. It's creativity, you know, it's creation. It's something that you have in you. It's talent, you know. So I just feel ki ye cheeze jo hai, wo koi sikha nahi sakta hai. It's natural and God-gifted and your best institute is your experiences and no any institute can teach
बट आपका जो विजुअलाइजेशन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू ऑल्सो बी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग. सो दैट्स वॉट यू कैन लर्न यू नो विद प्रैक्टिस विद एक्सपीरियंसेस. द मच यू वर्क द मोर यू लर्न एंड द मोर यू ग्रो बिकॉज यू आर ऑन प्रैक्टिस यू नो एंड योर बेस्ट इंस्टीट्यूट इज योर experiences. The more you work, the more you experience, the more you grow, the more you learn. So guys, हमारा शूट स्टार्ट हो चुका है एंड कुछ कुछ दिक्कतें आई सेट पे, कॉस्ट्यूम को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बट छोटा मोटा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होता रहता है, बट इट्स ओके, वी हैव मैनेज्ड इट. गाना तो बहुत अच्छा निकल गया है, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच. इतने कम टाइम फ्रेम में हमने कितना अच्छा गाना शूट किया है. एक्चुअली वी डिजर्व थम्स अप यू नो, क्योंकि जिस तरीके का गाना मैंने मुकेश ने बनाया है, इस तरीके के गाने के लिए लोग बाहर मार्केट में जो और डायरेक्टर्स है वो कम से कम 2 दिन का टाइम लेते हैं और बहुत ज़्यादा बजट लेते हैं, और हम लोगों ने 1 रात में 5-5.5 घंटे में ही इतना अच्छा गाना शूट कर लिया. ऑल्सो एक ही लोकेशन था, बट आप गाना देखना, बिकॉज हमने इतने अच्छे से शॉट डिज़ाइंस किए हैं ऑन द स्पॉट. ओके, इतने अच्छे अच्छे अलग अलग एंगल से टेक्स लिए हैं. ऑल्सो लाइटिंग्स पे हमने काम किया है, क्योंकि हमको एक ही लोकेशन में करना था शूट, तो हम लोगों ने एक ही लोकेशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट बनाया. अगर हमको 2-3 लोकेशन मिलता तो फिर हम उस हिसाब से कॉन्सेप्ट बनाते. बजट एंड टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनाया जिससे गाना ग्रैंडर लगे, अच्छा लगे, रिच लगे. उसी हिसाब से हमने शॉट्स डिज़ाइन किए, एंगल्स लिए, टेक्स लिए, उसी हिसाब से लाइटिंग्स किए एंड उसी हिसाब से कोरियोग्राफी किया, everything, you know, and we are absolutely very happy with this song. We did not compromise with our equipments, lights, camera. हमने इस पर पूरा खर्चा किया है, उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. हमने डांसर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कॉस्ट्यूम में या जो भी इस गाने के लिए रिक्वायरमेंट था हम लोगों ने वो सब चीज़ प्रोवाइड किया है. और हमने अगर कटौती किया तो वो चीज़ों में किया जहाँ पे हम कर सकते थे. हमने 2 या 3 लोकेशन की वजह 1 लोकेशन में किया, लेकिन गाने में जो रिक्वायरमेंट था वो सारी चीज़ें हमने ली थी. आप देख सकते हो मेरे व्लॉग में सारी चीज़ें, यू नो, प्रोडक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था. जितना मेरे से हो सकता था उस टाइमिंग फ्रेम में या फिर उस सेटिंग में मैंने किया. पोस्ट पे मैंने बहुत एफर्ट लगाया है, यानी एडिट पे बहुत काम किया है, तो ये सारी चीज़ें हमने फुल फ्लेज यू नो अच्छे से किया, इसलिए गाना इतना खूबसूरत निकल के आया. तो आपको बिल्कुल भी गाना देख के नहीं लगेगा कि हमने एक ही लोकेशन पे और इतने कम टाइम में इतना अच्छा गाना शूट कर लिया. जिस तरीके का बजट और टाइम फ्रेम हमको मिला है उसके हिसाब से हमने बहुत आउटस्टैंडिंग जॉब किया है. वो ना कलाकारिता है, वही तो हमारे अंदर बात है, कला है, यू नो, और ये भगवान का देन है और इसी चीज़ के लिए हम बने हैं. बता रही हूँ कि हम लोग फिल्म मेकर्स हैं एंड वी कैन डू एनीथिंग, है ना. जिस तरीके का हमारे पास टाइम है, जिस तरीके का सिचुएशन है, हम उस हिसाब से चीज़ों को मोड़ सकते हैं, उस हिसाब से चीज़ों को बना सकते हैं. और एक टैलेंटेड डायरेक्टर, एक टैलेंटेड फिल्म मेकर, वो हर चीज़ मैनेज कर लेता है एंड जो भी करता है वो खूबसूरती से करता है और एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी हीरा बना देता है, है ना. और आई एम टैलेंटेड डायरेक्टर, एक्टर, यू नो, एंड माई टीम, यू नो, इज़ टैलेंटेड एंड आई एम एक्सट्रीमली 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 प्राउड ऑफ मी माई सेल्फ एंड माई टीम. ओके, ज़्यादा तारीफ हो गया है, बट गाइज लिटरली आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस ऑल दिस, यू नो, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा ना कि मैं क्या हूँ,
नहीं तो कैसे पता चलेगा बताओ. आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस. तो सोचो मत, जस्ट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो मेरे मेहनत के लिए. मैं इतना अच्छा अच्छा व्लॉग्स आप सबके लिए लेके आ रही हूँ. तो जस्ट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स. ओके. तो क्या है ना गाइस कि मेरे व्लॉग्स थोड़े से लेट आ रहे हैं बिकॉज आई एडिट माय व्लॉग्स माई सेल्फ एंड बिकॉज ऑफ माय बिजी स्केड्यूल आई एम नॉट बीइंग एबल टू एडिट ऑन टाइम. तो वो थोड़े लेट लेट आ रहे हैं, थोड़े नहीं कुछ ज़्यादा ही. बट इट्स ओके, आप इन्जॉय करो, यू नो दिस इज़ पार्ट ऑफ माई वर्क. एंड तो ये सारे वर्क जो है वो मैंने ही किया है. तो वो आता रहेगा अपने हिसाब से बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ व्लॉग टू एडिट गाइस, सारे पेंडिंग है. तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं एडिट करके डालती रहूँगी. आई डू हैव एडिटर ऑल्सो बट आई डोंट नो वाई आई लाइक टू एडिट माई ओन वीडियोज माई सेल्फ. मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है. तो मैं वीडियोज डालती रहूँगी, वो मतलब 3-4-5 महीने में आते रहेंगे. आप इन्जॉय करो, है ना. वट मैटर्स इज दैट what I'm trying to show you, videos, the kind of work I'm doing, the kind of projects I'm doing, and this is how everything is being done in my field, Bollywood films, you know, this is how filmmaking is being done, and this is what I want to show you. एंड मैं चाहती हूँ और भी बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी. कुछ मैं चाहती हूँ कि कुछ आप सबके लिए, मेरे प्यारे दर्शकों के लिए मैं कुछ अच्छा करूँ, जो भी मैं कर सकती हूँ छोटी छोटी चीज़ों से. सो आई हैव माई यूट्यूब चैनल, आई हैव माई ऑडियंस, सो आई वॉन्ट टू रियली गिव समथिंग गुड टू देम जो मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ. सो क्योंकि मैं भी दूसरों के वीडियोस देखती हूँ एंड मुझे अच्छा लगता है कि लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट. सो सपोर्ट. ओके, अब आप लोग प्लीज़ एंजॉय करो, बाकी BTS बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द ड्रीम्स देखते रहो. और गाइस दशहरा चल रहा है तो गरबा एंड ऑल सारी चीज़ें हो रही है मेरे आसपास, तो साउंड आ रहा है पीछे से. नेवर माइंड, मुझे कल व्लॉग रिलीज़ करना है इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. ओके, एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग से ना आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखने को मिले मेरे बारे में, मेरे फील्ड के बारे में, हमारे फील्ड में क्या क्या होता है, हम क्या क्या करते हैं, हम कैसे शूट करते हैं, मेरे काम से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, मेरे कला क्षेत्र से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, बॉलीवुड से रिलेटेड. आई एम गोइंग टू कम अप विद लॉट्स ऑफ न्यू वीडियोज़, न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑल्सो, पॉडकास्ट ऑल्सो. देयर लॉट ऑफ थिंग्स आई एम प्लानिंग टू डू इन दिस चैनल साध्वी कलाकार, सो डू सब्सक्राइब इट. अच्छा हाँ गाइज, मुझे ये भी कहना था कि अगर आप सबको वीडियो से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड
कुछ भी क्वेरीज है या फिर लाइक यू नो एज आई टोल्ड यू आई हैव माई ओन प्रोडक्शन हाउस, ये गाने का प्रोडक्शन भी हम ही ने किया है और हम लोग म्यूजिक ऑडियो वीडियो सब बनाते हैं, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, रील से रिलेटेड, कुछ भी आपको बनाना है या कुछ भी आपके क्वेरीज हो और ऑल्सो कोलैब करना है फॉर कोलैबोरेशन फॉर बिजनेस इंक्वायरीज वट एवर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन जस्ट ई मेल, यू नो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आई डी है, जस्ट यू कैन ई मेल अस यू नो फॉर एनी थिंग इफ यू वॉन्ट आस्क. हाँ ओके फाइन, जस्ट इंजॉय द वीडियो. ओके क्योंकि गाइस मैं भी, मुझे भी कुछ चीज़ें जानना होता है तो मैं भी लोगों के चैनल्स में जाके देखती हूँ एंड आई गेट लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट. तो मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ इसलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड डू लाइक एंड शेयर ऑल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग वीडियोज़. And do support, do give your love, shower your love guys and do comment कि आपको मेरा vlog कैसा लगा. और ये गाना भी check कर लेना, नीचे description में link है. And बताना comment section पे मेरा नाम लेके guys. Okay, give thumbs up to my videos and I have my music channels also guys. I have my own music label SDV Melodies, SDV Devotional, now soon SDV Maithili, Bhojpuri, Nepali, ये सब आने वाला है. तो आप सब्सक्राइब करके रखो, उसके भी गाने सब चेक कर लो, जाओ 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 जाओ, सपोर्ट करो और वीडियोस बनाएंगे गाइस. I've got this.
we need thumbs up, your love and appreciation, guys. आप देख सकते हो कितना मेहनत कर रहे हैं हम सब. सो गाइज, किस बात के लिए आप लोग वेट कर रहे हो? लाइक कर दो, और जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दो. जस्ट इनकरेज मी सो दैट आई कैन डिलीवर यू मोर वीडियोस. और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियो के मार्फत आप सबको कुछ अच्छे अच्छे ज्ञान दूँ, अच्छी बातें बताऊँ अपने फील्ड के बारे में, अपने वर्क के बारे में. और बहुत सारे पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज़ वीडियोज़ भी मेरे आने वाले हैं. तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स. सो बाय बाय, टाटा. बस इतना ही. ओके, आई लव यू ऑल गाइज. हैप्पी दशहरा एंड स्टे ट्यून्ड. तो आप देखो कितना मेहनत होता है. रात भर उठ के काम करना पड़ता है. इतने मेहनत से मैं व्लॉग भी, आप सोचो, मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, रील्स भी बना रही हूँ, डायरेक्ट भी कर रही हूँ, कॉस्ट्यूम्स भी कर रही हूँ, प्रोडक्शन भी कर रही हूँ. यू नो, हम सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, इतना व्लॉग्स, अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप सबके लिए लेके आ रही हूँ. और इसके लिए तो लाइक, शेयर, फॉलो सब कुछ बनता है, इवन कॉमेंट. यू नो, यू शुड अप्रिशिएट मेहनती पीपल. ओके, बिकॉज मैं भी लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ, एंड व्हेनेवर आई सी देयर वीडियो, उनकी मेहनत देखती हूँ, तो मैं डेफिनेटली लाइक करती हूँ. तो आप लोग भी मुझे लाइक करो और अप्रिशिएट करो और मेरे वीडियोस एंजॉय करो. और जितना प्यार दोगे, एक हिम्मत मिलती है नो, और अच्छा वीडियोस बनाने के लिए. और अभी भी मैं, रात के 12 बज रहे हैं, 12:30 हो चुका है एक्चुअली. मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये भी मेहनत ही है. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा वॉइस भी हो रहा है. बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बट एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकती, और रिदम के साथ बोलना पड़ता है इस पर भी. यू नो, पूरा नहीं बोल सकते हैं, फ्लो फ्लो में बोलना पड़ता है, कट कट करके बोलना पड़ता है. ऑल्सो इट्स अ टाइम लिमिट होता है. फिर भी ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, इतना
चॉप कर करके कट कर कर करके भी इतना लंबा हो गया. इतना तो मुझे रखना ही था गाइस, ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्ट टू कैप्चर ऑल दिस ऑल दीज मेरा मेहनत का फल, यू नो, माई मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज, माई पैशन, माई हार्ड वर्क, माई अचीवमेंट्स, यू नो गाइज. ओके गाइज, इन्जॉय. शूट कंप्लीट किया है और साध्वी भट्ट हमारी डायरेक्टर थी एंड
साध्वी भट्ट बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पे, तो आप जाके देखो और सब्सक्राइब करो साध्वी भट्ट का यूट्यूब चैनल। एंड बहुत मजा आया आपको? बहुत। चलो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब इनको, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब लोग फॉलो करो। गाइस अभी पैकअप हो गया है, देख सकते हो। तो जो है सुबह के 7 बज रहे, तो मेरा हुलिया ऐसा है, सो आई एम लुकिंग लाइक दिस। एनीवेज पैकअप हो गया है, सो आपको बम बोले बम बोले बहुत मज़ा आया। तो आप देख सकते हो कशिश एक्टर थे, सो चलो अपडेट दे रही हूँ, अपडेट देती रहूँगी। ये दर्शन कहाँ गए? दर्शन हमारी लिखा हुआ भाई। सो गाइज आप देख सकते हो सुबह हो चुका है और मेरा हुलिया जो है वो आपको लग रहा होगा कि भाई रात भर नहीं सोई है और मेरे आंखें भी लाल लाल हो गए हैं। एंड आई एम वेरी वेरी टायर्ड, 2-3 दिन हो गए हैं अच्छे से सोई ही नहीं हूँ, बिकॉज परसों नरसों भी शूट था रात भर और आज भी शूट है, तो इट्स लाइक यू नो एग्जॉस्टिंग, सो आई एम वेरी टायर्ड। और तो यस, पैकअप हो गया है, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, प्रस्थान हो रहे हैं। ओके गाइस बाय, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।